सो फाइनली भाई यामा कंपनी अपनी प्रीमियम रेट्रो स्टाइलिश बाइक को बहुत ही जल्द हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च करने वाली है, जिसपे कि दोस्तों आप लोग को जो है बहुत सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ दोस्तों बाइक का जो लुक है ये भी आप लोग को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो पे दोस्तों हम लोग इसी बाइक के बारे में बात करेंगे, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आप लोग को इस बाइक के फीचर्स के बारे में बताऊँ तो इस पर दोस्तों आप लोग को फ्रंट पे प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों बाइक पर आप लोग को फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल भी दिया जाता है, जिसपे दोस्तों आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो जीत जाती है, लेकिन दोस्तों बाइक पे जो आप लोग को कोई भी टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा दोस्तों इस बाइक पे आप लोग को फ्रंट पे गोल्डन कलर का USD सस्पेंशन दिया जा रहा है और रेयर पे दोस्तों आप लोग को मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों इस बाइक पे जो आप लोग को TCS यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, स्लीपर क्लच और क्विक शिफ्टर जैसे काफी सारे फीचर्स तो देखने को मिलते ही है। साथ ही साथ अगर मैं आप लोग को सेफ्टी के बारे में बताऊँ तो इस बाइक पे दोस्तों आप को डुअल डिस्प्ले के साथ जो है डुअल चैनल EBS भी दिया जाता है और बाइक पे दोस्तों आप लोग को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आप लोग को इंजन के बारे में बताऊं तो इस बाइक पे दोस्तों सेम आप लोग को R15 और MT15 में जो इंजन दिया गया है आपको वही इंजन देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों 155cc का लिक्विड कूल इंजन है, जिसमें कि दोस्तों लगभग आप लोग को 18.1 BHP तक की पावर और 14.1 Nm तक का आप लोग को टॉर्क देखने को मिलता है, जो कि ये जो बाइक है दोस्तों ये 6 स्पीड गियरबॉक्स के सेटअप के साथ आती है, जिसमें दोस्तों आप लोग को सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टार्ट ही दी गई है। बाइक पे आप लोग को कोई भी किक स्टार्ट देखने को नहीं मिलती है। माइलेज के बारे में बात करी जाए तो लगभग दोस्तों आप लोग को 40 से लेकर 45 km के आसपास में भी इस बाइक से माइलेज देखने को मिल सकता है, अगर आप लोग इस बाइक को अच्छी तरीके से राइड करेंगे। तो बात करी जाए दोस्तों अगर प्राइसिंग के बारे में तो लगभग दोस्तों 1,80,000 रुपए के अंडर में जो है इस बाइक का आप लोग को ऑन रोड प्राइसिंग देखने को मिल सकता है। बात करी जाए दोस्तों अगर लॉन्च के बारे में तो इस बाइक को दोस्तों इसी साल 2024 के एंड तक में जो है हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च किया जा सकता है। तो आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों इस बाइक को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।